दोस्तों वेट टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत और बिहार के राजनीति में जाति की क्या भूमिका है या जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करता है भारत और बिहार की राजनीति को, तो और जाति से क्या प्रभाव पड़ता है ये जो लोकतंत्र है उस पे, या हम कह सकते हैं कि क्या है आखिर जाति की भूमिका, इसके सकारात्मक और नकारात्मक जितने भी पहलू होते हैं सभी को पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो भारत में जाति आधारित राजनीति को हम लोग देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे कि इसमें जाति की कहां तक भूमिका है। ठीक है, भारत की राजनीति में हम लोग देखते हैं कि तीन चरण में बांट करके जाति आधारित राजनीति हम लोग देखते हैं। तो तीन चरण के पहले हम लोग छोटी सी एक भूमिका देख लेते हैं कि क्या भारत एवं बिहार की राजनीति में जाति आधारित क्या भूमिका हो सकती है। तो स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौम मताधिकार लागू होने तथा वोट बैंक की राजनीति यहीं से शुरू हो जाती है, और यहीं से शुरू होने के पश्चात जाति आधारित जो रूप है वो विस्तृत रूप से एक तरह से समझ सकते हैं हम लोग ग्रहण कर लिया है। इसमें क्या है, जहां राजनीतिक दल को गठन हो या उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया हो या वोट बैंक की मतदाता का जो वोट की राजनीति हो, या तो हम कह सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, सभी में जाति एक अहम रोल निभाते आया है अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं, हालांकि वर्तमान संदर्भ में हम लोग देखें तो जाति आधारित नहीं होकर विकास का मुद्दा मेन गोल रहा है, या मेन मुद्दा अब विकास का मुद्दा बन गया है। या तो हम केंद्र के स्तर पर देखें या तो राज्य के स्तर पर भी देखें, जाति आधारित जो संकल्पनाएं हैं धीरे धीरे खत्म हो रही है, और विकास के मुद्दे पे लोग अपना वोट दे भी रहे हैं और राजनीतिक दल भी विकास पे ही वोट मांगने जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लें छोटी सी भूमिका। अब हम लोग चलते हैं इसमें तीन चरण में भारत में बांट करके देखते हैं। पहला चरण है मंडल पूर्व चरण, मंडल पूर्व चरण यानी 1990 के पहले का। ठीक है, मंडल पूर्व चरण में दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण विरोधी जो है वो मंडल पूर्व चरण में ही मिलता है, किंतु मध्यवर्ती जातियों के सशक्तिकरण के बाद जो ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था एक तरह से ठहरता हुआ दिखाई देता है। तो दक्षिण भारत में हालांकि जाति आधारित कोई खास राजनीति की वहां पे भूमिका नहीं रही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उत्तर भारत में 1960 के दशक में लोहिया राजनीति, या हम कह सकते हैं लोहिया समाजवादी राजनीति जोर पकड़ी, और जिनकी सामाजिक दृष्टि जो था वो जाति विनाश नीति और आरक्षण नीति पर ही आधारित था। तो लोहिया सामाजिक नीति जो है जाति विनाश आधारित और आरक्षण नीति पर ही आधारित था। इसे लोहिया की जाति तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, या जाति तोड़ो राजनीति की संज्ञा दी जाती है, जो लोहिया के था जाति तोड़ो राजनीति की संज्ञा इसे दिया जाता है। ठीक है, लोहिया के प्रभाव में कर्पूरी ठाकुर अगड़ो एवं पिछड़ो के का नारा दिया, कर्पूरी ठाकुर ने ही अगड़ो और पिछड़ो के नारा दिया, और उनके नेतृत्व में पिछड़ी जातियों की राजनीति की शुरुआत हुई, पिछड़ी जाति की राजनीति की शुरुआत हुई आपकी कर्पूरी ठाकुर के समय ही। इसके बाद जगजीवन राम दलित वोट बैंक की राजनीति शुरू करते हैं। ठीक है, जगजीवन राम के समय दलित वोट बैंक की राजनीति खूब जोरों से गर्माई थी। इनकी मृत्यु के बाद, यानी जगजीवन राम की मृत्यु के बाद यूपी में बसपा, बिहार में राम विलास पासवान जैसे लोग उभरे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो मंडल पूर्व राजनीति है वो मंडल पूर्व राजनीति में जो जाति है जाति मुख्य आधार बन गया। ठीक है, तो ये हम लोग जाति आधारित देख लिए। दलित राजनीति को विरासत संभालने की प्रयास इन्होंने किया। इसी समय वामपंथी राजनीति का भी उभार देखने को मिला। अब
हम लोग दूसरे चरण पे चर्चा करते हैं। दूसरा चरण होगा मंडल पश्चात चरण, यानी 1990 के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा दूसरे चरण की जाति आधारित राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। इसी समय देखिएगा राजनीति में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का गठबंधन में प्रवेश हुआ। राजनीतिक स्तर के पार्टी का गठबंधन में प्रवेश होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित राजनीति शुरू हो गई। जैसे यूपी में सपा, बिहार में राजद जनता दल यू, बिहार में राजद जनता दल यू, ठीक है, उड़ीसा में बीजू जनता दल आदि स्थानीय राजनीति ने एक अलग पहचान बना ली। 1990 के जो दशक था उसे सामाजिक न्याय का दशक भी कहा जाता है। 1990 के दशक को सामाजिक न्याय का दशक भी कहा जाता है, इसलिए कि इसी समय स्वर्णों का जो राजनीति था वो कमजोर पड़ने लगा। सभी वर्ग की इसमें जाति की भागीदारी राजनीति में होने लगी, ठीक है, राजनीति में वर्चस्वों को जो राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व था वो समाप्त होने लगा। पिछड़े वर्ग का नेतृत्व को सामने लाने का इसमें प्रयास किया गया। जाति आधारित राजनीति, यहीं पर फिर देखिएगा जाति आधारित राजनीति जो है वो पंचायती राज में एससी और एसटी के सीट तय किया गया इसी में, ठीक है, एससी यानी एससी और एसटी का सीट तय किया गया, महिलाओं की भी इसमें सीट तय किया गया। तो जाति आधारित राजनीति में हम लोग मंडल पश्चात चरण में देख लें। अब नेक्स्ट हो गया तीसरे चरण, उत्तर मंडल राजनीति। उत्तर मंडल राजनीति हम लोग देखते हैं 2010 के दशक के मध्य उत्तर मंडल राजनीति, ठीक है, कहा जाने लगा है कि बिहार और यूपी की राजनीति मंडल राजनीति से बाहर निकल चुकी है, मंडल राजनीति से बाहर निकल चुकी है, ठीक है। इसके मूल में मौजूद हैं पिछड़ी जातियों के हितों के अंतर विरोध के गठबंधन के निर्णायक मूल, ठीक है। यूपी और बिहार की राजनीति मंडलवादी नीति से आगे निकल चुकी है। स्वर्णों के विरुद्ध राजनीति कमजोर पड़ने लगी है। इसी समय स्वर्णों के विरुद्ध जो राजनीति था वो मंडल पश्चात चरण से ही शुरू हो गया था, यानी जो स्वर्णों की राजनीति थी मंडल पश्चात चरण से कमजोर पड़ने लगा। उत्तर मंडल राजनीति में स्वर्णों की राजनीति बिल्कुल कमजोर पड़ने लगी। अब क्या हो गया, 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ से हिंदूवादी राजनीति भी जोर पकड़ने लगी। अब स्वर्णों से भी लोग हाथ मिलाने परहेज नहीं कर रहे थे। अब स्वर्ण और जो भी पिछड़ी जाति था दोनों आपस में राजनीति में हाथ मिला लिए, यानी राजनीति का और जो भी हिंदू वर्चस्वशाली था, अभी देखिएगा 2014 में उसी की राजनीति शुरू हो गई है। और बुद्धिजीवियों की सक्रियता इसमें एक अहम रोल निभा रही है। अब हम लोग देखेंगे आखिर क्या है जाति की भूमिका राजनीति में, जाति की भूमिका आखिर है क्या, जाति की भूमिका कहां तक प्रभावित करता है राजनीति को, तो ये चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जाति आधारित कहां तक इसकी भूमिका है या क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो जाति आधारित सबसे पहले तो प्रत्याशियों के चयन से सरकार के गठन तक जाति की ही भूमिका रहती है। आप देखते होंगे प्रत्याशी हर एक क्षेत्र में जहां एमएलए का या तो इलेक्शन हो या तो एमपी का इलेक्शन हो, कहीं का भी इलेक्शन हो, वहां पे क्या होता है कि प्रत्याशियों के चयन सरकार के गठन तक भी लोग पिछले की यूपीए में देखे होंगे कि वोट बैंक की राजनीति के चलते जो राष्ट्रपति का चुनाव था यूपीए की तरफ से मीरा कुमार जाति का और जो भाजपा द्वारा भी उठाया गया था प्रत्याशी वो भी जो थे दलित वर्ग से ही थे राष्ट्रपति। तो जाति आधारित जो राजनीति के समीकरण हो वो हर समय गांठने के लोग प्रयास करते रहे हैं, ठीक है। जातीय भावनाओं का सहारा लिया जाता है क्योंकि लोग आज के डेट में वही भावनाओं के सहारे से राजनीति दल खिलवाड़ करते हैं, भावनाओं के सहारे से वोट बैंक अपने बना लेते हैं, ठीक है। जाति आधारित राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है,
जाति आधारित सभी देखिएगा जाति आधारित जो राजनीति कर बहुत सारे राजनीति दल गठन होने लगे हैं। जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव क्षेत्र का परिसीमन भी किया जाता है। जिस दल का सरकार रहता है या जिसकी सत्तारूढ़ सत्ता रहती है वो अपने पक्ष में जाति आधारित जो परिसीमन है परिसीमन करने की प्रयास करते हैं कि किस जाति का वोट बैंक उनके तरफ है उसकी परिसीमन करने का वो प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जाति आधारित जो है एक तरह से परंपरागत और रूढ़ियों पर रूढ़ियों ही आप बिहार की राजनीति में ही देखते होंगे या केंद्र की राजनीति में देखते होंगे। राजनीति का बेटा राजनीति, राजनीति का बेटा राजनीति, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसमें चलते आ गया। तो ये चीज जाति आधारित भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जाति आधारित जो भी राजनीति है उसका सकारात्मक पक्ष भी तो कुछ होगा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पे हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सकारात्मक पक्ष देखते हैं कि आखिर सकारात्मक पक्ष है क्या जाति आधारित भूमिका में। सकारात्मक पक्ष हम लोग देखें, सबसे पहले तो सामाजिक रूपांतरण को यह जन्म देती है। सामाजिक रूपांतरण को जन्म देती है यानी राजनीति में सामाजिक रूपांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण जो समाज में वंचित एवं कमजोर समूह को, जो समाज के वंचित एवं कमजोर समूह को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलता है। कोई भी जाति में ही या वोट बैंक के चलते ही अगर गरीब तबके से, अगर वो पिछड़ी जाति से वो राजनीति में आते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो अपनी आवाज उठाने का एक जरिया मिल जाता है, क्योंकि वो भी अपने छोटे मोटे अधिकार बड़े स्टेज पर उठा सकते हैं। सपोर्टेड मान लीजिए कि कोई भी एमपी या एमएलए पिछड़ी जाति से बन गया तो अपनी जाति की भावनाओं को वो बड़े प्लेटफॉर्म पर उठा सकता है, या संसद में या लोकसभा या राज्यसभा में वहां अपनी बात को उठा सकता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया तेज इसमें होती है। अपने बात को उठाएगा तो लोकतांत्रिकरण जो राम राज की संकल्पना किया गया है सभी को समान भागीदारी इसमें मिलेगा और अपने तबके के लोगों के साथ क्या हो रहा है वो अपने आवाज उठाएगा। ठीक है, समावेशी विकास होगा, इसमें सभी की विकास पे समान जोर दिया जाएगा। ठीक है, पहले सिर्फ सवर्णों के नहीं सभी के विकास पर समान जोर दिया जाएगा कि पिछड़ी एससी एसटी के विकास के लिए क्या चाहिए या उसकी सुविधा के लिए क्या चाहिए। ठीक है, आरक्षण की राजनीति जातिगत ध्रुवीकरण को तेज किया है। आरक्षण की राजनीति जो है जातिकरण ध्रुवी को तेज किया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। जो जातिगत ध्रुवीकरण, मान लीजिए कोई भी एमएलए एमपी होता था अगर वो स्वर्ण जाति से है तो स्वर्ण जाति को पिछड़ी जाति से काम नहीं करता था तो इसमें ध्रुवीकरण बटा है। छोटे स्तर पर भी छोटी जाति के लोग राजनीति करना शुरू करेंगे और राजनीति जब बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने बात उठाएंगे तो स्वाभाविक चीज है कि जो स्वर्ण जाति से रिलेटेड भी राजनीति में वो भी पिछड़ी जाति के लिए काम करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, किंतु यह भूमिका एक तरह से हम समझ सकते हैं निर्णायक। आरक्षण की जो राजनीति है, आरक्षण की राजनीति जातिगत ध्रुवीकरण को तेज ही करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसकी क्या क्या नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। नकारात्मक पहलू पर हम लोग विचार करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। हम लोग सकारात्मक पहलू देख लिए। सबसे पहले तो गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाती है। जो जाति आधारित राजनीति है गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से वो ध्यान ही भटका देगा, क्योंकि वहां जाति ऐसा चीज ही है कि अपने जाति के नाम पे लोगों को भड़का करके वोट मांगते हैं लोग। मेन मुद्दा जो है विकास, गरीबी, ये सबको लोग अपनी भावनाओं में भूल जाते हैं, वो जाति आधारित ही वहां पे वोट देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत आधारित राजनीति को इसमें बढ़त मिलती है, इसकी पृष्ठभूमि मूल आधारित राजनीति पर होनी चाहिए, मूल आधारित राजनीति नहीं होगा कि यहाँ पर व्यक्तिगत आधारित राजनीति को बढ़त मिलती है और यहीं पर वंशवाद की जड़ों को मजबूत बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं वंशवाद की जो जड़ है वो मजबूत बनता है या एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को प्रतिकूल प्रभावित करता है, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि कहीं भी जाति आधारित अगर हम मुद्दा उठाएंगे तो वहां भी सामाजिक जो सौहार्द जो भाईचारे की नीति होगी वो बिगड़ेगी, लोगों में आपस में मनमुटाव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सामाजिक न्याय की अवधारणा जातिगत संदर्भों तक सीमित हो जाती है, सामाजिक जो न्याय है वो जातिगत, ठीक है, अवधार जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को जातिगत संदर्भों तक सीमित कर दिया जाता है, ठीक है, और लोगों को सही से न्याय नहीं मिल पाता है, सभी वर्गों को समान न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये हो गई स्वतंत्र भारत की राजनीति में जाति की भूमिका, या राजनीति में जाति का क्या प्रभाव रहा है हम लोग देख लिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप लोग के पास जो भी मैं वीडियो बनाऊं पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय बाय।